हेलो फ्रेंड, दिस इज सम्यक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीडी क्लासिक्स इंग्लिश बुक हनी शक्ल का चैप्टर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। उससे पहले यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस वर्ड्स? इफ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। यहाँ है कि आप क्या इन वर्ड्स को, इन शब्दों को जानते हैं? अगर नहीं तो इनकी मीनिंग आप पता कीजिए। बैंडेज है, क्रच है, क्रिपल है, ऑनर है, मिसफॉर्चून है और सिस्टम है। तो इन सब के वर्ड्स हम लोग चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को पता चल जाएंगे। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वेज दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। अब इसमें कुछ मतलब पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पर भी एक पिक्चर है। इन सबको देख कर हमें पता करना है कि ये दूसरे स्कूल से किस तरीके से अलग है। तो देखकर देखिए, यहाँ पर इस गर्ल की आँख पर बैंडेज बंधा है, ऐसे किसी और स्कूल्स में नहीं होते। ये लड़का पकड़ कर ले जा रहा है, तो ऐसे बाकी स्कूल्स में नहीं होते। अभी अंदर पता चलेगा कि यहाँ क्यों है ऐसा। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। आई हैड अ ग्रेट डील मतलब मैंने बहुत सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, मतलब बहुत सुनने को आता था कि मिस बीम का स्कूल, मिस बीम का स्कूल। मतलब अब तक सिर्फ सुनने को ही आया, जब तक मैं, मुझे एक चांस नहीं मिला उस स्कूल को विजिट करने का, तभी तक मतलब तब तक मैं बस सुनते रहा। तो मैंने विजिट भी कर लिया। अब इनका एक्सपीरियंस है पूरे इसमें। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she has asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. एक मेरे पास एक लड़की गुजरी, उसकी एज यहाँ पर लिखी है अबाउट 12। मतलब हो सकता है वो 11 भी हो, हो सकता है वो 11 भी हो, सकता है वो 13 भी हो। 12-13 साल की थी, मेरी नज़र में इन साइट मतलब टू बी सीन, मेरी नज़रों में आई। और आइज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज, उसकी आंखें जो थी बैंडेज से कवर्ड थी, पट्टी से। एंड सी वॉज लेट केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। और वो एकदम केयरफुली एक मतलब बच्चे के द्वारा वो वहाँ से मतलब फ्लावर बेड्स में वहाँ से उसे ले जाया जा रहा था, वो बच्चा उसे ले जा रहा था जो कि उससे 4 साल छोटा लग रहा था। सी स्टॉप और वो रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़के से पूछ रही है कि मैं कौन, कौन आया है मेरे सामने। तो उस लड़के ने मतलब ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वो मतलब मुझे डिस्क्राइब कर रहा था ऐसा लग रहा था। देन दे पास्ड ऑन। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had a kind of plump figure which is like to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. और Miss Beam जो थी, जो Miss Beam इस story में है, वो वैसी ही थी जैसा मैंने expect किया था। मिडल एज, ना ही ज़्यादा बूढ़ी लेकिन ना ही ज़्यादा जवान। फुल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब राइट टू रूल, पूरे स्कूल पर उन्हीं का रूल था। और ये वर्ड जो है यहाँ ऊपर इसके ओरिजिन्स पे मैं लिखता हूँ पता कर, ये ओल्ड फ्रेंच से इसको लिया गया। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब अथॉरिटी वाले जो होते हैं उनको लोग कहते हैं बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, वैसे नहीं। मतलब काइंडली, फ्रेंडली भी ओल्ड इंग्लिश से, मतलब ओल्ड इंग्लिश से लिया गया फ्रेंडली। काइंड मतलब अंडरस्टैंडिंग भी थी, काइंडली भी थी। और हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल जो थे धीरे धीरे मतलब वो ग्रे हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे वो बूढ़ी हो रही थी। एंड सी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग अ होमसिक चाइल्ड। उनका प्लम्प फिगर, प्लम्प मतलब स्टाउट, प्लीजेंटली फैट, स्टाउट प्लीजेंटली फैट मतलब जो थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं, प्लम्प फिगर वैसा फिगर था उनका जो कि किसी होमसिक चाइल्ड को, जो होते हैं ना बच्चे दिन रात रोते हैं ना मैम मम्मा के पास जाना हमको, तो वैसे बच्चों को मतलब कुछ वैसे फिगर्स जो होते हैं वो थोड़ा मतलब कंफर्ट करते थे, वैसा उनका फिगर था।
आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीके के उस पर, मतलब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि मैं मुझे लगा कि सिंपल है। जो प्लम्प है वो मिडल टच से लिया गया। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देन टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू डेम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स वाइड। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। उन्हें हम लोग ज़्यादा नहीं सिखाते, जितनी की ज़रूरत है उतना ही सिखाते हैं। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लिखना, और बाकी चीज़ें उन्हें मतलब रीडिंग से, इंटरेस्टिंग बातों से मतलब उन्हें बताया जाता है, जिसमें शांति से बैठते हैं और अपने हाथ को एकदम अपना चुपचाप रखते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स टू एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस स्कूल के ज़्यादा मतलब वो नहीं है, इसका ज़्यादा बड़ा एम नहीं है कि इन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए और काइंडनेस एक दूसरे के उस पर किया जाए, रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स से लिया गया। अवेयर ऑफ डियर ड्यूटीज, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, कि आप एक मिनट के लिए विंडो के बाहर देखिएगा। आई वेंट टू द विंडो ओवर लुक अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन और एक प्ले ग्राउंड भी दिखा। व्हाट डू यू सी, मिस बीन आस्क्ड। मिस बीन ने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बड़े सुंदर ग्राउंड देख रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, जॉली मतलब खुश होता है, और मैं बहुत सारे खुश मतलब बच्चों को देख रहा हूँ। इट पेंस मी टू, मतलब बच्चे खुश हैं लेकिन तब भी कुछ मतलब कुछ की वजह से मुझे बहुत पेनिंग हो रही है, बहुत अंदर से दिल पर दर्द हो रहा है। सी डैट दे वर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मतलब सारे उतने हेल्दी और सारे उतने एक्टिव लुकिंग मतलब नहीं थे। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेट इट आउट, जैसे मैं अंदर आया मुझे एक मतलब बच्ची दिखी जो कि मतलब एक दूसरे के द्वारा उसे मतलब लेट अबाउट उसे वो ले जाना था। सी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, उसकी आंखों के साथ कुछ दिक्कत थी। आई कैन नाउ आई कैन सी सम टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, इसी डिफिकल्टी की वजह से मुझे और भी दो चार और भी दिखे बच्चे। एंड देयर वाज अ गर्ल विद अ क्रच एंड वॉचिंग द अदर सेट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस कपल। और एक और मुझे बच्ची दिखी, क्रच मतलब मुझे लग रहा है शायद जो पैरों में दिक्कत हो जाती है शायद, और वो बाकियों का एट प्ले मतलब बाकियों को खेलते हुए देख रही थी। होपलेस क्रिपल, सी सीम टू बी होपलेस क्रिपल। होपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, जिनका लक अच्छा ना हो। और क्रिपल मतलब अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, जो लोग अच्छे से मतलब वर्क और फंक्शन नहीं कर पाते, मुझे लग रहा बहुत वो होपलेस है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी, हाँ 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 ओ नो, उन्होंने हंस कर कहा कि अरे नहीं 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 नहीं। सी सेड सी इज नॉट रियली लेम, लेम मतलब वो लेम जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया और इसका मतलब होता है लंगड़ा। वो रियली मतलब सच में वो लेम नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, वो सिर्फ उसका आज लंगड़ा दिन है। डे ऑन विच सी एक्ट एज इफ सी वॉज लेम, ऐसा दिन जिस दिन उसे लंगड़ों की तरह मतलब लेम पर्सन की तरह एक्ट करना था। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, बाकी भी कोई ब्लाइंड नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, वो तो आज बस उनका ब्लाइंड डे है, मतलब उस दिन उनको ब्लाइंड की तरह एक्ट करना है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ अगेन, मैं बहुत सरप्राइज सा हो गया कि अरे भाई ये क्या कराते हैं ये स्कूल वाले। और फिर वो मैं मतलब वो मिस भी हंसने लगी, हाँ 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 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक दम सीयर इन मिस फॉर्चून ईच टर्न, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to be. The bandage is put on overnight so they wake up blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मीनिंग बताता हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, मिस बीम ने कहा। टू मेक द चिल्ड्रेन अप्रिसिएट अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, मतलब जो बच्चे हैं उनको ये अंडरस्टैंड मतलब करवाना मिस फॉर्चून को। मिस फॉर्चून मतलब अनफॉर्चून कंडीशन, बैड लक, इंग्लिश से इसी को लिया गया। मतलब उनको ये समझाने की और अप्रिसिएट करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। वी मेक देम शेयर इन मिन फॉर्चून को, और हम उनको शेयर भी करवाते हैं, मतलब उनको भी वैसे हम लोग रखते हैं उस कंडीशन में ताकि उन्हें समझ आए वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग उनका मजाक ना उड़ाए। वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इजर्ड डे एंड वन डम डे। हर टर्न में, हर एक टर्न में मतलब एक साल में पूरे स्कूल के उनका एक ब्लाइंड डे, एक लेम डे, एक डीफ डे, एक इंजर्ड डे और एक डम डे होता है। और ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे मतलब अंधे अंधे वाले दिन, देयर आइज आर बैंडेज, एब्सोल्युटली देयर आइज आर बैंडेज मतलब देयर आर बिन फोल्डेड, बांध दिया जाता है उनका, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी। ये जो लाइन है इसको मतलब हैव प्रॉमिस्ड, अगर कोई प्रॉमिस करता है तो हम लोग कह सकते हैं दे आर ऑन देयर ऑनर, इसको कह सकते हैं प्रॉमिस किया है। तो प्रॉमिस किए रहते हैं कि वो देखेंगे नहीं, पीप मतलब चुपचाप देखेंगे नहीं। दे बैंडेज, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक नाइट, उनकी आंखों पर बैंडेज रात में बांध दिया जाता है ताकि वो सुबह अंधे उठें। दिस मीन्स डेट दे नीड हेल्प विद एवरी थिंग, इसका मतलब उन्हें हर चीज़ के साथ हेल्प चाहिए क्योंकि वो देख नहीं सकते। अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, बाकी बच्चों को मतलब ड्यूटी दिया जाता है कि आप इनकी हेल्प करिए। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इसकी वजह से वो कितना सीख लिए। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, अंधे भी और अंधों की मदद करने वाले भी, जो ब्लाइंड इनका होता है। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस्ट्री मतलब डिफिकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, लेट मिडल इंग्लिश से इसको लिया गया है। मिस बीम कंटिन्यू, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। बिफोर द डे इज ओवर थ्रू इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज दैट व्हाट मिस फॉर्चून इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ना बच्चे चीटिंग नहीं करते कुछ भी, कि जैसे अपना कभी भी हटा लिए आँख से, चुपचाप देख लिए। सारे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, और हम लोग इस तरीके से जो थॉटलेस चाइल्ड होता है, जो केयरलेस चाइल्ड है, उसे भी रियलाइज हो जाता है कि मिस फॉर्चून क्या हो। आगे, द ब्लाइंड इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, कम इन टू द गार्डन सी फॉर यूर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और जो ब्लाइंड डे है ऑफकोर्स बहुत मतलब वर्स्ट है, बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें अंधे लोगों का बताते हैं ना, कुछ देख पाते हैं। और अगर कभी भी कोई मतलब आप लोगों ने अगर कभी आँख पर पट्टी बांधने वाला गेम खेला, आँख पर पट्टी बांध कर पकड़ना होता है, तो उसमें भी लगता है कि कब किससे हम लोग टकरा जाएं, या खेल में कभी ऐसे बांध कर आप चलते होंगे तो लगता है कब हम कहाँ से टकरा सकते हैं, अरे कब क्या हो जाए, अरे कब कैसे हो जाए। तो ये बहुत हार्ड होता है, वर्स्ट होता है, सबसे बेकार होता है ये दिन। और कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि डम डे यानी जो इसमें हम लोग को डम एक्टिंग करना होता है, जिसमें हम लोग बोलने की मतलब जो लोग बोल नहीं पाते उनको डम कहा जाता है, मतलब गूंगा वाला जो दिन हम लोग को एक्ट करना होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम आँख तो बांध सकते हैं पर माउथ तो उनका नहीं बांध सकते। तो फिर उनको अपना विल पावर मतलब उन्हें चुपचाप रहना पड़ता है, हर टाइम बोलना ही नहीं पड़ना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन सी फॉर योर सेल्फ फॉर द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आप खुद गार्डन आ सकते हैं और आप खुद मतलब पता है कि बच्चे क्या फील कर नहीं सकते बारे में। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, और उनमें से एक बैंडेज लड़की के पास मुझे वो ले गई। हियर हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। कम टू टॉक, हु हैज कम टू टॉक, इसका मतलब ये है मिस बीम ने कहा कि कोई आपसे बात करने, एक जेंटलमैन आपसे बात करने आया, मिस बीम ने कहा, और हम लोग को छोड़ दो। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने सबसे पहले ये पूछा कि तुम कभी चुपचाप देखती ना चुपके चुपके। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, एक्सप्लेन मतलब किसी भी एक्सप्लेनेशन में कहना, अब ये रोने वाला हो सकता है अरे बाप रे बाप, ये हो सकता है हंसने वाला हा हा अरे वाह मजा आ गया, ये कुछ भी हो सकता है टेंशन अरे बाप रे, और कुछ भी जैसे यहाँ पर भी अरे नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, डेट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग हो जाएगा ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, ऑफुल मतलब बैड होता है, ओल्ड इंग्लिश से इसको लिया गया है।
लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतना ये बैड होता है ब्लाइंड होना। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ देख ही नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट लगता है कि किसी से हम टकरा जाएंगे, ऐसा लगता है। जो राइटर ने भी कभी अपने आंखों पर बांधा हुआ, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और चलने के ज़्यादा मतलब चलने की बजाय तो अच्छा है कि अपना चुपचाप बैठे ही रहे हम लोग। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क, क्या आपके जो हेल्पर्स हैं वो क्या आपके लिए काइंड हैं, मतलब क्या आपके लिए मतलब काइंड हैं। फियरली बट आर नॉट एज केयरफुल एज आई सॉल बी वेन इट इज माई माइट, हाँ हैं पर उतने नहीं जितना मुझे होना चाहिए जब मेरी बारी रहेगी हेल्प करने की। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly guilty not to see. I wish this you try. मतलब वो भी हैं, मतलब वो भी हैं हेल्पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर वो हैं जो कि पहले भी ब्लाइंड रह चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है। एंड इट परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी, और बहुत गेस्टी बहुत बेकार सा है नहीं देखना। आई विश यू ट्राई, क्या आप, मैं मतलब विश करती हूँ कि आप ट्राई करिए। शैल आई लीड यू एनी वेयर आई आस्क, क्या मैं आपको कहीं ले जाऊँ। ओह यस सी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वॉली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट अन crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. And things like that, I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head itches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? A walk kar rahe the, usne kaha ki let's go for a little walk. Only you must tell me about things. आप बस मुझे चीज़ों के बारे में बताइएगा। I shall be so glad when today is over. मैं बहुत glad, वरी मतलब हो जाऊँगी, कहते हैं ना proud सी हो जाऊँगी अगर आज का दिन खत्म हुआ तो। तो other bad days can't be half as bad as this. बाकी दिन तो इसके आधे भी नहीं है, बाकी जो बुरे दिन हैं। Having a leg tied up and hoping about on a crutch is almost fun, I guess. मतलब पैरों को बांध कर मतलब कूदना तो फन होगा, वो बुरा कहाँ हुआ। Having an arm tied up is a bit more troublesome. हाथों को बांध कर चलना थोड़ा सा ज़्यादा troublesome, थोड़ा सा ज़्यादा difficult होगा। ट्रबल मतलब प्रॉब्लम्स होता है, मिडल इंग्लिश से लिया गया इसको। और सम मतलब सम अनस्पेसिफाइड अमाउंट, ओल्ड इंग्लिश से इसको लिया गया। इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन विभाजन किया। मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल वाला हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट वो हो जाएगा। बिकॉज यू कॉन्ट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक डेट आई डोंट थिंक अलमा, और वो है मतलब खा नहीं सकते क्योंकि हाथ बंधा होगा, वैसे ही कुछ चीज़ें। आई माइंड बिंग डी फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच, उतना भी मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगी ठीक मतलब बहरा होने में। बट बिंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, मतलब अंधा बनना इतना डरावना होता है। My head itches all the time just from worrying that I'll get hurt. मैं सिर दर्द करने लगा बस यही वरी करते हुए कि मैं कब उन्हें चोट ना लग जाए। Where are we now? अभी हम लोग कहाँ हैं? In the playground, I said. मैंने कहा playground में, फिर walking towards the house. Playground में अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। ये जेंटलमैन है वही, क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस है वही लड़की। Miss Bean is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Bean जो है एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में मतलब टहल रही है। What is the girl wearing? वो लड़की ने क्या पहना है? My little friend asked. मतलब अभी 2 मिनट में लड़की फ्रेंडशिप हो गई। इस छोटी सी लड़की ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना है। A blue cotton skirt and a pink blouse. उसने एक ब्लू कलर का कॉटन शर्ट पहना है और एक पिंक कलर का मतलब वो पहना है ब्लाउज पहना है। ये साड़ी में ना होता है शायद। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लग रहा है शायद ये मिली है। सी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर,
उसके बालों का कलर क्या है? वेरी लाइट, मैंने कहा ऐसे। यस डेट्स मिली सिज द हेड गर्ल। हाँ वो मिली है, वो तो मिली ही है, वो तो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड। मैंने कहा कि कोई एक आदमी जो कि रोजेस टाइंग अप रोजेस बांध रहा है रोजेस को। यस डेट्स पीटर, वो पीटर है, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अरे पीटर ही तो गार्डनर है, तो 100 साल पुराना है, मतलब बहुत पुराना है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। और एक यहाँ पर एक लड़की आई है जिसका कर्ली रेड हेयर है, शी इज ऑन क्रचेस। क्रचेस इनको कहते हैं जो है ना बगल में। डेट्स अनीता सी सेड, उसने कहा ये तो अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 times मोर थॉटफुल देन एवर थॉट I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. फिर हम आगे अपना बढ़ते गए, धीरे धीरे gradually middle Latin से लिया गया slowly. मुझे ये डिस्कवर हुआ कि मैं अभी से मतलब जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, 10 गुना ज़्यादा। आई कुड बी जितना मैं सोच सकता हूँ। आई आल्सो रियलाइज्ड इफ आई टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे अगर कुछ डिस्क्राइब करना हो किसी भी और आदमी को, क्योंकि तो उस लड़की के ही साथ पूरा घूमते रहा, उसको तो डिस्क्राइब करते रह रहा था, तो मैं और भी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से उनके बता सकता हूँ। अगर मुझे फाइनली लीव करना था, जाना था, उन्होंने मिस मीम से कहा कि मुझे बहुत मतलब पछतावा है, बहुत सॉरी हूँ, बहुत मन नहीं अब लग रहा जाने का, मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। मिस मीम ने कहा उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खास है कि हर कोई रहना चाहता है, मतलब आप रहना चाहते हैं। ईवी लुकास ने इसको लिखा है, एवरेज एंड सिंप्लीफाइड, मतलब ये बहुत हार्ड लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, इसको सिंप्लीफाइड लिखा गया है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। Put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the test. आप अब इन सेंटेंस को मतलब इन सेंटेंसेस को आप राइट ऑर्डर में करिए, सही ऑर्डर में करिए, पैराग्राफ में लिखिए। टेक्स्ट को आप लोग मत देखिए, चैप्टर को आप लोग मत देखिए, चीटिंग मतलब मत करिए। और ये सब वो वर्ड्स हैं। I shall be so glad when today is over. Having a like tied up and hoping about on my press is almost one, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Only you must tell me about things. Let's go out for a little walk. The other bad days can't be as half as bad days. Aur ye in words ko aap log order mein karna hai. Be answered the following questions. Why do you think the writer visited Miss Bean schools? Paragraph 1 में इसका आंसर है। What is the game that every child in the school has to play? Paragraph number 9 में। अब देखिए इस क्लास 6 में अब से पैराग्राफ नंबर शुरू स्टार्ट होंगे और उसमें आंसर्स होंगे। अगर आप लोग सर्च करेगा इस पैराग्राफ में, each time every child has one blind day, one lame day, complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? 9, 11, 15 इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया कि एक सिस्टम एक स्कूल का भी हो सकता है, ये सच में भी हो, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी हो, या हो सकता है ये इमेजिनरी हो, लेकिन ये मतलब जो स्कूल है ये बच्चों को रिस्पेक्ट और समझना बता रहा है बाकी लोगों के जीवन को, जिन लोग जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग डीफ हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे वो तो अंधा है, अरे वो तो लंगड़ा है, अरे वो तो फलाना फलाना, तो ये उन्हें बताना चाहते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे एंड बाय।